दोस्तों एक बार फिर से बोकारो एयरपोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोकारो एयरपोर्ट की मांग काफ़ी लंबे समय से हो रही है। इसी मांग को पूरा करते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी भूमि पर बोकारो एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी थी। इस एयरपोर्ट को 2019 में ही शुरू करने की योजना थी। समय बीतता गया परंतु इस एयरपोर्ट का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन इस बार बोकारो एयरपोर्ट का सपना पूरा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और झारखंड और बिहार के विकास से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों अब बोकारो एयरपोर्ट करीब करीब बनकर तैयार हो गया है और नए साल में यानी 2022 में बोकारो एयरपोर्ट हवाई सेवा उड़ने लगेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा हो जाएगा और 2022 मार्च तक जहाज उड़ने लगेगी। एयरपोर्ट का फिलहाल 85% से अधिक काम पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष बचे छोटे मोटे कार्य भी पूरा हो जाएंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से हवाई सेवा के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जल्द ही प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए अगले 2 माह में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस संबंध लगातार तकनीकी जानकारी भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च 2022 तक बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो जाएगा। दोस्तों कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सेल के 40 वर्ष पुराने बोकारो हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है। सरकार के निर्देश के बाद बोकारो हवाई अड्डा वर्ष 2019 से ही उड़ान के लिए तैयार करना था, लेकिन सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण इसमें देरी हुई। एयरपोर्ट में पैसेंजर लॉबी और रनवे पूरी तरह से तैयार है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लग चुका है, इसके साथ ही 4 दीवारी बन चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट के बाहर अतिक्रमण का है, जिसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले को ठोस पहल की जाएगी। दोस्तों झारखंड सरकार के उदासीन रवैये के कारण ही बोकारो एयरपोर्ट से अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे वहां से अतिक्रमण खत्म हो सके ताकि हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू हो सके। दोस्तों लाइसेंस मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सके हवाई सेवा शुरू हो सकती है, पर सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। इस पर प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, परंतु सरकार कब इसका आदेश देती है यह पता नहीं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि मार्च 2022 तक प्रशासन अतिक्रमण हटा ले ताकि बोकारो वासियों के उड़ान भरने का सपना पूरा हो सके और बोकारो एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सके। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें।